ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीते एक सप्ताह पहले हुई छेड़खानी के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वह पीड़िता के पुत्र को फोन पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हैं। वहीं थाना प्रभारी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। सिसोलर कस्बा निवासी एक पीड़िता ने एक सप्ताह पहले थाना सिसोलर में दिए अपने शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही सजातीय खेमचंद प्रजापति, जो सेवानिवृत्त होमगार्ड हैं, उन्होंने जब वह अपने 10 वर्षीय पुत्र को खोज रही थी तभी रास्ते में रोककर अश्लील बातें करने लगा और अपनी नस दिखाने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि उसके द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज करने लगा। पीड़िता ने बताया कि इसके पहले दिनांक 11 मई को उसका पुत्र जितेंद्र पुत्र खेमचंद प्रजापति ने मुझे जबरदस्ती खींचकर अपनी बाइक पर बिठाने का प्रयास किया था और मेरे साथ छेड़खानी भी की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते उक्त लोगों के हौसले बुलंद है और उक्त लोग मेरे पुत्र जो कानपुर में रहकर मजदूरी करता है उसको फोन पर राजीनामा करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि राजीनामा नहीं किया तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। वहीं संबंध में थाना प्रभारी सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मामला है ये सब जी सर, ये मामला कि हम रात में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर निकले थे तो खीमा निकला तो बोल रहा था ले गुटका खा लो, मुझे मुख में बोल रही थी कि मुझे नहीं खाना है गुटका, का ले खा लो, खा रही हो, झूठ बोल रही हो, तुमको मुझे नहीं खाना है, बोलो तुम्हारी नस पटा गई है कि नहीं पटा गई है, तो मुझे मुख पटा गई, बोले कि नहीं नस दिखा सकती है, मुझको नहीं दिखा सकती हूँ, कहीं दिखा दो, मुझको नहीं दिखाना है, कहीं तुम्हारा कितना पैसा लगा है, तो मैं बोल रही थी कि क्या करना है तुमको पैसे से निकालना, अरे मुझे देना है ना, जितना पैसा लगो हो तो उतना मुझसे ले लो, मुझे कहना मुझे नहीं लेना है, तो कहने अरे इधर तो आओ, किधर जा रही हो, मुझको उधर नहीं, मुझे मैं भाग के घर में घुस गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरा पति घर में नहीं था, मैं सुबह फिर मैंने उसी औरत को बुला के घर में कहा तो हाथ पांव जोड़ रही थी, हाथ पांव जोड़ने के बाद वो घर गई, कहने की मेरे घर आ जाना, मैं अपने पति के डांटूंगी, चप्पलों से मारूंगी, तो मैं गई गया तो अपने आदमी को फरार कर दिया, उस दिन से मुझे मिलते नहीं। तो आप थाने गई, क्या हुआ? थाने गई सुबह से साहब, आसो साहब ने पूछताछ किया, मैंने बताया एप्लीकेशन लिखा, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, फरार है, फरार हमारा बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसको उनको वही जितेंद्र बोल रहा है कि तेरी मम्मी झूठ फूल लगा करके एप्लीकेशन दी है ना, अब देखो क्या हो रहा है, अब तुमको ठीक है, धमकी दे रही है मैंने।